Hey guys, subscribe to Strike and Pocket and press the bell icon to get the notification of every new video from this channel. What's up guys, I'm Ashraf Khan and you're watching Strike and Pocket. I'm sure guys you must be thinking कि आज मैं कैप पहनकर क्यों इस वीडियो में आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि गाइज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैप पहनकर आप कैरम अगर खेलते हो तो ये आपके लिए अच्छा है या बुरा। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। बहुत सारे लोगों का मतलब ऑलमोस्ट बहुत लोगों का मुझे मैसेज आया, काफ़ी प्लेयर्स को उन्होंने देखा था कैप पहन के खेलते हुए, तो मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर रहे थे लोग, एक दो नहीं काफ़ी 6 या 7 लोगों ने मुझे पूछा ये सवाल। तो मैं बोला चलो इसके ऊपर एक वीडियो बनाता हूँ, तो इसीलिए ये वीडियो मैं आप लोगों के लेके आया हूँ। तो बताता हूँ आपको गाइस, कैप पहन के खेलना, कैरम खेलना मतलब आपके लिए बहुत फ़ायदे वाली चीज़ है। इससे होता क्या है ना कि आपका कंसंट्रेशन लेवल लगभग डबल हो जाता है। कैप कैरम खेलने के लिए हम सब जानते हैं कि कंसंट्रेशन लेवल हमारा कितना स्ट्रांग होना चाहिए, कंसंट्रेशन लेवल कितना स्ट्रांग किस लेवल का होना चाहिए अच्छा कैरम खेलने के लिए। तो कैप उसमें हमें हमारा कंसंट्रेशन लेवल लगभग दुगना करके देती है। लेट्स से कि अब मैं कैरम खेल रहा हूँ और मैं इस तरह खेल रहा हूँ, अब मेरी नज़र नीचे है और अब मैं पॉइंट को देख रहा हूँ। इस वक्त होता क्या है ना कि समटाइम्स हमारी नज़र हल जाती है, नज़र स्टेबल नहीं होती, और नज़र स्टेबल होना, हैंड आई कोऑर्डिनेशन स्ट्रांग होना, आँखों का स्टेबिलिटी, नज़र की स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर वो अगर आपकी नज़र हलती है तो आपको थोड़ा सा आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल स्ट्रांग करने की ज़रूरत है। तो आप जब कैरम खेलते हो आपकी नज़र नीचे होती है, जब आप पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर आपकी नज़र होती है तो आपकी नज़र देखो कौन, अगर आप उतने एडवांस लेवल के प्लेयर नहीं हो तो आपको पता चलेगा कि आपकी नज़र थोड़ी सी हलती है। मेरे साथ भी होता था ये स्टार्टिंग में, मतलब इम्प्रूवमेंट की स्टेज पे था मैं तब, अभी भी होता है। उतना स्ट्रांग अगर कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा तो नज़र स्टेबल नहीं होती, मार्क पूरा हलता है। तो उस वक्त क्या होता है, और उसके साथ साथ कैरम बोर्ड के बाहर भी बहुत सारी मूवमेंट होती रहती है, यहाँ पे कोई हल रहा है, वहाँ पे कोई हल रहा है। तो ये कैप क्या हेल्प करते हैं मैं आपको बता दूँ, आप जब ऐसे नीचे खेल रहे हो, जब आप नज़र ऊपर लेते हो पॉइंट को देखते हो, तो ये जो सरफेस है ये आपकी विजन को कम कर देता है, विजन को इतना कम कर देता है कि यहाँ से ऊपर आप यहाँ पे देख रहे हो तो आपको बाकी का सब बहुत ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें दिख रही होती है, जो आज आपके आसपास में हो रही होती है वो आपको दिख रही होती है। तो आप जब इधर से ऐसे खेलते हो तो खेलने के बाद जब आप कॉइन को देखते हो तो आपका ये विजन में पूरा कट हो जाता है, तो उससे क्या होता है आपका जो फोकस बढ़ जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी चीज़ है अगर आप कैप का इस्तेमाल करते हो तो। अगर मैं नाम लूँ तो काफ़ी ऐसे प्लेयर्स आपको देखने मिलेंगे जो कैप का इस्तेमाल करते हैं या कर चुके हैं या छोड़ दिया है। तो पहले यूज़ करते थे मैं भी, कुछ वक्त पहले, लेट्स से 1 साल पहले कंटिन्यूसली कैप पहन के कैरम खेलता था, क्योंकि मुझे लगता था कि काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है कैप पहन के खेलने से, काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन लेवल में इंक्रीमेंट होता है, तो उसी के लिए मैं कैप का इस्तेमाल करता था। लेकिन गाइज मैंने कैप पहनना छोड़ दिया, अभी मैं कैप पहन के नहीं खेलता हूँ। मेरा आप ये देखो, ये खेलते वक्त का पिक है, जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था तब का एक पिक निकाला था। तो कैप पहन के अभी नहीं खेलता, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है गाइस कि कैप पहन के रखने से बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। नुकसान कैरम के गेम के लिए नहीं होता, लेकिन हमारी हेल्थ के ऊपर उसका असर हो सकता है गाइस। और हेल्थ को लेंगे तो सबसे ज़्यादा असर होता है हमारे बालों के ऊपर, और हम सभी जानते हैं कि बाल हमारे लगभग 80% हमारी लुक डिसाइड करते हैं, हमारे सर के ऊपर के बाल। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे बाल अच्छे हो नेचुरली। तो उसी के चलते अगर मैं कैप का इस्तेमाल करता हूँ तो उससे होगा क्या, मेरे कंटिन्यूसली हैबिट बन जाती है। अगर आप कैप पहन के कैरम खेलने लगोगे तो आपकी एक हैबिट बन जाएगी कैप पहन के रखने की, कैप पहनना आपकी एक स्टाइल बन जाएगी, आपकी एक आदत बन जाएगी। हम लोग ऐसे नहीं करते, मोस्टली जितने केसेस मैंने देखा उसके ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ, हम कुछ कैरम प्लेयर्स ऐसा नहीं करते कि बस उन्होंने बस उस मैच के लिए कैप पहनी और उतार के वापस बैग में रख दी, ऐसा नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, कंटिन्यूसली कैप पहन के रखेंगे, पहन के रखेंगे, पहन के रखेंगे। और आप लोग देख सकते हो गाइस ये यहाँ से कितनी टाइट होती है, आप यहाँ से भी देख सकते हो ये इतनी टाइट होती है ना, कि इससे क्या होता है हमारे बालों को, एक तो ऑक्सीजन नहीं मिलता, ऑक्सीजन नहीं मिलता, उसके साथ ये कंटिन्यूसली ऐसे पकड़ बना के रखा होता है इसने, पकड़ बना के रखने के बाद उससे नुकसान होता है हमारे बालों को। बेटर अगर आप इंटरनेट पर जाएंगे
अगर आप सर्च करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ कंटिन्यूअसली वेयरिंग कैप, तो आपको काफी डिसएडवांटेजेस देखने मिलेंगे। माइनर से होते हैं, लेकिन या मतलब बालों के ऊपर अगर रिस्क बहुत कम लोग लेना चाहेंगे कि अपने बालों के साथ, इसीलिए लोग कैप पहनकर कैरम नहीं खेलते, या पहनते भी है तो उन्होंने आगे चल के छोड़ दिया। मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई सपोर्ट चाहिए, मैं चाहता हूँ मेरा जो भी गेम हो ओरिजिनल हो, मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ। अगर आप कैप नहीं पहने तो भी आप अपनी नज़र को नीचे रखिए, स्टेबल रखिए, ऊपर मत देखिए ज़्यादा, और जितना हो सके कैरम खेलते वक्त सिर्फ कैरम के अंदर आपने देखना है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरे जो रिजल्ट है, मेरे परफॉर्मेंस में वो अच्छे होते हैं। तो इसीलिए मैं अपने एक्सपीरियंस के ऊपर आपको ये वीडियो बना के मैं बता रहा हूँ। तो आप मुझे नीचे जरूर कमेंट में बताइए गाइस, अगर आपने कैप पहन के खेला है तो आपको कैसे रिजल्ट लगे, क्या आपको अच्छा लगता है कैप पहनकर खेलना, या आप खेलते हो, कोई कैप पहनकर खेलते हो, या आप नहीं खेलते, या आपने खेला है तो आप ट्राई करना चाहते हो, तो प्लीज मुझे आपके सजेशन जरूर नीचे कमेंट में बताइए। बस इतना ही इस वीडियो में गाइस, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। कैप पहनकर आप खेल सकते हैं, मेरा सजेशन है कि आप अगर कैप पहनकर मैच खेले, प्रैक्टिस करें तो ठीक है, लेकिन उसको जैसे आपका खेलना हो गया उसके बाद निकाल कर बैग में रख दो, उसको अपनी स्टाइल मत बनाओ, अपनी हैबिट मत बनाओ, क्योंकि उससे आपको नुकसान भी है। इसीलिए काफ़ी ऐसे प्लेयर्स हैं जो कैप का इस्तेमाल नहीं करते। अभी फिलहाल इस वीडियो में मैंने कैप बस आपको बताने के लिए पहनी है, मैं कैप का इस्तेमाल नहीं करता कैरम खेलते वक्त, क्योंकि मैं अपने आप को हर तरह से काबिल बनाने की पूरी पूरी कोशिश करता रहता हूँ। तो आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी हो। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस चैनल के ऊपर, स्ट्राइक एंड पॉकेट चैनल के ऊपर, कैरम रिलेटेड वीडियोज लेके आता रहता हूँ। कीप प्लेइंग एंड कीप लविंग कैरम। बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।